झंडा फट गया भाई साहब झंडे पीछे मुंडा बेपरवाह घर को निकला घंटा उसी सुत्ता मुंडा चलो 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 So few days back, I received mail from Team Oyo for collaboration and they offered us a nice stay in Preeni Manali. But later on, due to crowded Manali, they bailed out on us and said, we are sorry. So we have a couple of friends in Manali who are into hotel business. But the sad part is, wo sabhi full the. So later, hamare ek acche dost ne hamare liye old Manali mein 10 tent sleeping bag ka prabandh kiya. सो फुल विंटर्स में ब्यास नदी के तट पे कैंप लगाने का एक ही ड्रॉबैक रहा कि हम में से कोई भी ढंग से सो नहीं पाया भाई टेम्परेचर अजू टेम्परेचर देख कितना है टेम्परेचर है 6 तन चेक किया था रात को गया था माइनस तक हैं 1 बजे तक था सो सुबह 5 बजे हम गाड़ी के अंदर ब्लोअर लगा के थोड़ी देर के लिए सो गए -2 है भाई टेम्परेचर बाहर आगे ले लो भाई थोड़ा जा 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 भाई जा खुला खुला जान दे ओए ये ओए क्या स्टॉप किया अगर बनना था और ठीक 7 बजे फ्रेश होके हम अटल टनल के लिए निकल गए कर दिया हमने और मैं फर्स्ट टाइम अटल टनल की तरफ जा रहा हूँ आई थिंक हम तीनों में से कोई भी नहीं गया है ये जो वीडियो बना रहा है ये जाके आया हुआ है आई थिंक दो बार की एक बार हुए दो बार सो रोड तो अच्छा है और नाइस और यहाँ पे मोस्ट वांटेड वाली फीलिंग NFS नाइस भाई जी भाई साहब खिंचवा के लिए थी तो सोलंग नाला के बाद तो जन्नत ही है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और आई थिंक सुबह 9 बजे के आसपास टनल खुलती है तो अभी हम भी कोई 1-1.5 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए थे तो उसके बाद अभी कंटिन्यू हुई राइड एक प्लान तो बन रहा था कि वापस मुड़ जाते हैं बट फिर सोचा कि चलो इतना दूर आए हुए तो इतना दूर आए तो वापस क्यों जाए रुकना है So guys, we are about to witness this whole magnificent beauty and such an amazing work by our engineers. Oh, nice! Chali bhai. ये speed क्या 60 maintain करनी पड़नी कि क्या scene है? Starting में 40 फिर center में 60. अगर मतलब 5-10 ऊपर होगी फिर? अगर 60-70 से ज़्यादा होगी ना तो आगे होते हैं खड़े हुए पुलिस वाले वो पकड़ा देते हैं चलान वगैरह बाकी इनमें ऑक्सीजन का भी है जो ये साइड में लगे हुए ना पाइप्स वगैरह रेड कलर के पाइप्स हैं इनमें वो किसी को सफोकेशन टाइप फीलिंग आती है सफोकेशन आती है टनल में पूरी किसी को ना फीलिंग लगता शाम को जो टेंट के बाहर एक्टिविटी हो रही थी उस समय हो रही थी थोड़ी सी बट अब कोई नहीं है मेन है इस टनल का कि जब स्टार्टिंग में कुछ और व्यू है ना पेड़ वगैरह है जब हम टनल से आगे निकलेंगे तो आगे सिनेरियो चेंज पूरा सिनेरियो बिल्कुल चेंज ऑलराइट 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 विल सी बंदे रुक गए थे टनल के बीच में डीएल नंबर था कोई हां बीच में सेंटर में ऐसे रोड पे अर्टिगा थी शायद पता नहीं गाड़ी कौन सी बीच में रुक के चिल कर रहे थे बढ़िया हु ट्रैफिक जाम लग चुका है अटल टनल में चलो 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 भाई
कोई दिख नहीं रहा है कुछ भी, चश्मा लगा लेते हैं। By no means this video is giving any justice to beauty of the great Himalayas. You have to be practically here to witness its greatness. अभिषेक फ्रंट हो गए, दगड़ दो। सिसु हेलीपैड बहुत ही सुंदर था एंड वहां पे काफी रश भी था, सो वी डिसाइडेड टू गो ऑन रोहतांग साइड। टूट जाएगा। जहां मैं यहाँ पे आधे घंटे के करीब हो गया है, ये टनल का दूसरा छोर है। और काम कितना है यहाँ से ही ना। अभी हम सिसु पैड से मुड़ के आ रहे हैं और अभी दूसरी वाली साइड को जाएंगे, काजा वाली साइड को जाएंगे। ट्रैफिक जाम लगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पिछले करीबन एक या डेढ़ घंटे से हम जाम में फंसे हुए। ये अभी हम हैं सिसु से थोड़ा आगे, बाकी हमारी गाड़ी पीछे फंसी हुई है। आगे जाके देखते हैं क्या सीन है जाम का। बोलो सारे बोलो, चलते आगे थोड़ा सा। दिस लिटिल मैनूवर विल कॉस्ट अस। But police had different plans for us. And then we headed back to Manali and फिर हमने मनाली में गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए चिल आउट किया। जो भी हमारी थकान थी ड्राइविंग की या पिछली रात की, वो सारी 10 मिनट में गायब हो गई। So in the end, some of you guys know Motodog is back and we are planning to upload more frequently this year. Stay tuned for more and don't forget to like the video and comment down your opinions. And yeah, see you later. Peace. आज का ट्रिप हमारा ख़त्म हो रहा है और अभी हम मनाली क्रॉस करके घर की तरफ निकल रहे हैं। और जो आज का दिन जो भी रहा, हेक्टिक रहा, जो भी टायरिंग रहा, वो सब कुछ यहीं पे आके ख़त्म हो गया। जैसे हम क्या बोलते हैं गर्म पानी के अंदर घुसे, वैसे ही सारी थकान दूर हो गई। और वहाँ पे हम कैमरा नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि वहाँ पे एक और लोग भी होते हैं, सो यू नो ऑफेंड हो जाते हैं लोग। अरे असन ना यार, अभी कच्चा तो बैठ गया लेवर।